घंटे में कोरोना विस्फोट। देश में 24 घंटे में 1.67 लाख नए कोरोना संक्रमित पाए गए, 69,798 लोग ठीक हुए और जबकि 277 लोगों की मौत हुई है। इस तरह एक्टिव केस इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 97,475 की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस वक्त 8 लाख कोरोना संक्रमितों का इलाज चल रहा है। सिर्फ 11 दिन पहले ये आंकड़ा 1 लाख था। राजस्थान में कोरोना हुआ बेकाबू। राजस्थान में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। जयपुर, जोधपुर और बीकानेर ऐसे जिले हो गए हैं जो राज्य सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक रेड जोन में आ गए हैं। बीकानेर में संक्रमण की औसत दर 10% को पार कर गई है। राज्य सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक जिस क्षेत्र या जिले में संक्रमण की दर 10% से ऊपर पहुँच जाए, वहाँ कलेक्टर, SP या पुलिस कमिश्नर को अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने के अधिकार दिए हैं। उदयपुर में अवैध शराब पकड़ी गई। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा थाना पुलिस ने देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए AC की आड़ में अवैध शराब ले जा रहे कंटेनर को जब्त किया। जब्त शराब की कीमत 30 लाख बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है। कमलनाथ के OSD कोरोना पॉजिटिव। कमलनाथ के OSD RK मिगलानी भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्हें चिरायू अस्पताल में भर्ती किया गया है। मिगलानी को दूसरी लहर में भी कोरोना हुआ था। चिरायू अस्पताल के CMD डॉक्टर अजय गोयनका ने बताया कि मिगलानी को हल्का बुखार और खांसी है। अंबाला के डॉक्टर बैठे हड़ताल पर। हरियाणा सिविल मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले आज डॉक्टर हड़ताल पर बैठ गए। अंबाला सिविल अस्पताल में डॉक्टरों ने विरोध भी जताया। एकजुट हुए डॉक्टरों ने OPD बंद रखी। हालांकि जिले भर में इस हड़ताल का मिला जुला असर दिखा। एसोसिएशन के जिला प्रधान डॉक्टर मुकेश ने बताया कि 2 दिन तक मांगों को लेकर कोई सहमति नहीं बनती तो सभी डॉक्टर 14 जनवरी को संपूर्ण हड़ताल पर जाएंगे। रोहतक में बड़ा कोरोना का कहर। हरियाणा के रोहतक जिले में भी कोरोना पैर पसारता जा रहा है और घातक स्थिति में पहुंच चुका है। जिले में पिछले 10 दिन में मरीजों की संख्या 15 गुना बढ़ी है। वहीं अब यहां 10 गुना इजाफे के साथ रोजाना 100 से अधिक केस मिल रहे हैं। वर्तमान में शहर में 576 एक्टिव केस हैं, जिनमें 103 केसों की वृद्धि तो सोमवार को ही हुई है। सुजैन खान हुई ओमिक्रॉन पॉजिटिव। ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन खान हुई ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर दी है। सुजैन खान ने अपनी एक फोटो शेयर कर लिखा, कोविड-19 को 2 साल तक चकमा देने के बाद तीसरे साल 2022 में जिद्दी ओमिक्रॉन वेरिएंट ने आखिरकार मेरे इम्यून सिस्टम में घुसपैठ कर ली है। कल रात मेरा कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट का टेस्ट पॉजिटिव आया है। कृपया सुरक्षित रहें और पूरी लगन से अपना ख्याल रखें। ये बहुत संक्रामक है। अफगानिस्तान में हुआ बम धमाका। अफगानिस्तान में सोमवार दोपहर हुए एक बम ब्लास्ट में 9 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हैं। ये ब्लास्ट पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर हुआ। इसकी पुष्टि मुल्क की सत्ता पर काबिज तालिबान सरकार ने भी की है। अमेरिका में सुअर के दिल को किया ट्रांसप्लांट। अमेरिका के डॉक्टरों ने बड़ा कारनामा दिखाते हुए जेनेटिकली मॉडिफाइड सुअर के दिल को 57 साल के बुजुर्ग के शरीर में ट्रांसप्लांट किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड मेडिकल के डॉक्टर्स ने सोमवार को इस बारे में जानकारी दी है। डॉक्टर्स ने बताया कि 7 घंटे तक चली सर्जरी के बाद मरीज की हालत में सुधार हो रहा है। अमेरिका में बढ़ा ओमिक्रॉन का कहर। अमेरिका में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का कहर बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या ने पिछली लहर के पीक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। US डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज ने बताया कि रविवार को देश के अस्पतालों में 1,42,388 संक्रमित भर्ती थे, जबकि पिछली लहर के पीक में 14 जनवरी को 1,42,315 मरीज अस्पतालों में भर्ती हुए थे। WSC का भारत को तोहफा। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के निदेशक ने यूनेस्को पेरिस को भारत के स्थायी प्रतिनिधि मंडल को ये सूचित किया कि यूनेस्को WSC की वेबसाइट पर भारत के विश्व धरोहर स्थलों के हिंदी विवरण प्रकाशित करेगा। कोरोना
के नए स्ट्रेन डेल्टा क्रॉन ने दी दस्तक। कोरोना सुनामी के बीच अब एक और नए कोरोना स्ट्रेन ने दस्तक दे दी। साइप्रस के वैज्ञानिकों का दावा है कि उनके देश में डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट से मिलकर बना कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन पाया गया है। ओमिक्रॉन की वजह से जनवरी के पहले हफ्ते में दुनिया में कोरोना के रिकॉर्ड केस दर्ज किए गए हैं। इसे यूनिवर्सिटी ऑफ साइप्रस के रिसर्चर्स ने डेल्टा क्रॉन नाम दिया है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।